हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आए हम लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पर सबसे पहले किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो भर्ती में तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सामने आई है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ एनआईटी। दोस्तों, एनआईटी जो है ना, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के अंदर। इसमें नॉन टीचिंग के 106 पदों पर भर्ती निकली दोस्तों, नॉन टीचिंग के। इसमें एमटीएस वगैरह है, वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट है, कुल पोस्ट 106 है इसमें। और इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 33 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए 18 से 33 साल आपकी एज इसमें रहेगी। 29 अप्रैल, 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस आपकी रहेगी 1,000 रुपये। आवेदन फीस सभी वर्ग की 1,000 रुपये रहेगी दोस्तों। एनआईटी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है। उसके बाद देखिए, इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में 10वीं पास के लिए 52 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास के लिए अच्छा मौका है दोस्तों आर्मी में ज्वाइन करने का, 52 वेरियस पोस्ट इसमें है। उसके बाद अगली भर्ती है गोवा शिपयार्ड में, 253 वेरियस पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। गोवा शिपयार्ड में निकले हैं 253 पोस्ट के लिए, इनके आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद अगली भर्ती है चंडीगढ़ पीजीआईएमएस में दोस्तों, चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ग्रुप सी के पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों। उसके बाद अगली भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, फीमेल हेल्थ वर्कर की जो हमारे 92 से 12 पोस्ट थी जिनके फॉर्म भरे गए थे, उसकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है दोस्तों। एग्जाम आपका होगा 8 मई को, आपका एग्जाम रहेगा दोस्तों 8 मई को यूपीपीएससी दोस्तों, फीमेल हेल्थ वर्कर के पदों पर। उसके बाद अगली भर्ती है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों, 10वीं और 12वीं पास के जो है ना, 10वीं और 12वीं पास के लिए मल्टी स्किल्ड वर्कर के पदों पर भर्ती है दोस्तों, मल्टी स्किल्ड वर्कर के पदों पर भर्ती बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जो जुडिशियल सर्विस प्री एग्जाम 2022 हुआ था दोस्तों, उसके आंसर की रिलीज कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद एक और रिजल्ट से संबंधित खबर है, यूपीपीएससी ने जारी किया 1370 पदों का टेट का रिजल्ट दोस्तों। 1370 पद जो पोस्ट थी दोस्तों, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। अगला भर्ती जो है दोस्तों, वो यूपीएससी से संबंधित है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीएमएस की भर्ती 2022 की रिक्रूटमेंट है दोस्तों। इसमें 627 आपकी जगह दोस्तों 687 पदों पर, 687 पदों पर भर्ती है ये। इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा आपका 18 से 32 साल। फीस इसमें रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये। 26 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, 5 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आवेदन। और इनकी एग्जाम डेट भी दोस्तों इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, 17 जुलाई, 17 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये थी देखिए आज की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।